सहित प्रथम खबर को स्वागत हेडलाइंस। भारत प्रति आभिमुख्य बदलला युके, दुईट डोज कोविशिल्ड नहीं भारतीयों क्वारंटीन मना, अक्टोबर 11 तारीख कार्यकारी हो परवर्तित नियम, ब्रिटिश हाई कमिश्नर एलेक्स शेलीज सूचना। उत्तर आंडामान सागर में दाना बांधुची आउ एक घूर्णवलय, 24 घंटे सक्रिय होगा 10 तारीख को यह नेब लघुचाप रूप, प्रभाव में बारू राज्यर विभिन्न स्थान में वर्षार संभावना, पानीपाग विभाग पक्षर संपुक्त जिला को येलो वार्निंग जारी। क्रूज रे ड्रग्स पार्टी मामला, 14 दिन पाई विचार विभाग हाजत को गले आर्यन खान को समेत 8 अभियुक्त, एनसीबी रिमांड वृद्धि आवेदन को मुंबई एस प्लानेट कोर्ट गले खारज, आज आर्यन बेल नहीं शुणा। सफल है दीर्घ वर्षर गवेषणा, विश्व को मिला हु द्वारा अनुमोदित प्रथम मैलेरिया टीका, छोट शिशु देह में व्यवहार हो मस्क्यूरिस्क टीका, मशा कामुड़ा रोग मैलेरिया नियंत्रण को आसिबो बोली आशा। महामारी रे महालूट, मिलमिशी गिड़ीदे सरकारी अर्थ, घटनार कारपोरदार सरपंच समेत किसी सरकारी अधिकारी, तदंत पर कार्यानुष्ठान ना नहीं उठला प्रश्न, विवाद रे विभागीय अधिकारी। विपद रे राज्यर सर्वपुरातन संग्रहालय, रक्षणाबेक्षण अभाव माटी में मिशवाक बसला पुरातन कीर्तिराजी, दुर्लभ कलाकृति संरक्षण निमंते राजवंशर प्रयास आरंभ, संग्रहालय पुनरुद्धार नहीं उठला दाबी। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड रे नुआपड़ा मंदिरपड़ार कुनिजीय कृष्णेश्वरा माझी, मुहरे मुखस्त नाना प्रकार संस्कृत श्लोक सहित अनेक प्रश्नर निर्भुल उत्तर, 3 वर्षर छोट झीर एभली सफलतार परिवार खेलुची खुशीर लहरी। एथर संपूर्ण खबर, शेषे भारत आगे मुंड नुआईला युके, बदलला भारतीय टीका को नहीं निजर निष्पत्ति, पूर्व दुई डोज कोविशिल्ड टीका को युके अनुमति देन थिला, एमितिकी दुई डोज टीका को नहीं थे युके रे भारतीयों पर 10 दिनिया क्वारंटीन बाध्यतामूलक कर, तेज भारत सरकार अनुरूप पदक्षेप ने सहित युके को मुंहतोड़ जवाब देते, जहां शेषे युके निजर आभिमुख्य बदल देखा मिली। From Monday the 11th of October, a traveller from India to the UK, double jabbed with Covishield or another vaccine recognised by the UK regulator, does not have to quarantine. So it'll be easier and cheaper to enter the UK. This is great news. We have been actually open for Indian travellers for months. We've been issuing thousands of visas to students, to business travellers, to tourists. And it's the product of excellent discussions with the Indian authorities. Some of the noise about this issue over the last few weeks just shows how keen people are to travel to the UK, and I'm delighted by that. So let's now go further. Let's open up more flights between the two countries. Let's get British tourists able to come into India. They're desperate to do so. Let's facilitate business travelers who are trying to come into India with e-visas. This is a further step down the road set by Prime Minister Modi and Prime Minister Johnson when they agreed the comprehensive strategic partnership between our two countries in May. आसिबा पाणीपाग खबर को, उत्तर आंडामान सागर में दाना बांधुची आउ एक घूर्णवलय, 24 घंटे यह सक्रिय होगा सहित 10 तारीख को यह लघुचापर रूप नेब, प्रभाव में आसंता 12 अक्टोबर ठारु राज्य में प्रबल वर्षा नहीं आकलन करिछि आंचलिक पाणीपाग विभाग, तेज लघुचाप सक्रिय हो दक्षिण ओडिशा और आंध्र उपकूल आड़े मुहाइब, तेज यह लघुचाप बात्यार रूप नेब कि नेब ताहा 10 रे स्पष्ट हेबो बोली पाणीपाग विशेषज्ञ कहिछन्ति। अनेपटे आगामी 24 घंटा पई उपकूल और आभ्यंतरण ओडिशा रे केतेक स्थान रे वर्षा हेबार संभावना रहिछि, आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षरु सबु जिला गुडी को येलो वार्निंग जारी करा जाइछि।
आसवा परवर्ती खबर को मुंबई ड्रग्स पार्टी मामला 14 दिन पई विचार विभाग हाजत को गले स्टार किड आर्यन खान आर्यन को समेत एही घटना रे एनसीबी द्वारा गिरफ होइतिबा 8 जन को मध्य विचार विभाग हाजत को पठाई छंती मुंबई रो एस प्लैनेट कोर्ट एनसीबी पक्षरु अभियुक्त मानक रिमांड अवधि 11 अक्टूबर को वृद्धि करबा को निवेदन करा जायतिला तबे कोर्ट एनसीबी रो आवेदन को खारिज करथिबा बेले समस्त 8 अभियुक्त एबे विचार विभाग जाय छंती अनपटे आर्यन को पक्षरु तांको वकील जमीन आवेदन करथिबा बेले आज दिन 11 रे कोर्ट रे यहार सुनानी करबे बोली सूचना मिलिछि तबे आर्यन को जमीन मिलुछि ना नाही ता उपरे समस्तक नजर रहिछि आज सब आठ आरोपी को जुडिशियल कस्टडी में रिमांड किए हैं साहब ने और हमारे बेल एप्लीकेशंस की हियरिंग कल सुबह में 12:30 बजे रखे कुछ हमारा ऐसा सबमिशन है कि क्योंकि सेंटेंस जो है मैक्सिमम अप टू 6 मंथ्स है तो इसीलिए ये कोर्ट को जुरिस्डिक्शन है और एनसीबी बोल रहा था कि सब एनसीबी का सबमिशन था कि ये सब एक साथ ज्वाइंट है पर ऐसा नहीं है सब अलग अलग है तो इसीलिए कोर्ट ने कहा कि ये अलग अलग नहीं हो सक अलग अलग रिकवरीज है और कस्टडी की जरूरत नहीं है 6 दिन तो कस्टडी में था वो तो द कोर्ट थॉट कि इट वाज सफिशिएंट टाइम फॉर देम टू इन्वेस्टिगेट दैट्स ऑल और एपटे ओडिशा रे एनसीबी रो तीन जड़िया टीम क्रूज ड्रग्स पार्टी मामला रे तदंत पाई एही टीम ओडिशा आसीथिबा सूचना मिली छे क्रूज ड्रग्स पार्टी मामला रे राउरकेला रे दुई जण युवक गिरफ होईचंती एनसीबी ओडिशा रे यहार अधिक तदंत करबो बोली जणा पड़ी छे एनसीबी हाथ रे धरा पड़ीथिबा दुई युवक होउचंती मनीष उदय राजगरिया एवं अभिन्न दीनानाथ साहू गिरफ मनीष को घर राउरकेला एवं अभिन्न को घर सुंदरगढ़ तबे राउरकेला को जाई एनसीबी टीम से मानक परिवार को पचराउचरा करि पारे बोली आशा करा जाउछि तबे सेही परी एही क्रूज ड्रग्स पार्टी रे ओडिशा रु आहुरी अनेक शामिल थिबा नै चर्चा हाउथिबा बळे एनसीबी एहार खुलताड़ करबा नै संभावना रहिछि सफल होइछि दीर्घ वर्षर गवेषणा विश्वको मिलिला हु द्वारा अनुमोदित प्रथम मलेरिया टीका मलेरिया टीका मस्कुरिस को शिशुक देहरे व्यवहार पाई अनुमोदन मिलबा परे एहाकु एक मुहूर्त बोली कहिछंती हुर मुख्य वर्षक 4 लक्ष लोकंक जीवन नहीं थाए मशा कामुड़ा रोग मलेरिया जहां एवं नियंत्रण को आसी पारिबो बोली आशा करा जाउछि विश्वर प्रथम मलेरिया टीका को मिलिला विश्व स्वास्थ्य संगठन रो अनुमोदन मलेरिया रोकिबारे फलप्रद टीका मस्कुरिस्क टीका प्रस्तुत करुछि ब्रिटिश औषध निर्माता कंपनी ग्लाक्सोस्मिथक्लाइन वार्षिक मशाजनित रोगरु मृत्युवरण करिथांति 4 लक्ष लोक टीका अनुमोदन को ऐतिहासिक मुहूर्त बोली कहिले हुर निर्देशक वर्ष वर्ष धरि मनीष समाज पई एक प्रकार आतंकर कारण पलटि आसी मलेरिया एवं मशा कामुड़ा जो हेउथबा विभिन्न रोग थंडा देश तुलनारे भारत समेत विश्वर अन्य सबु ग्रीष्ममंडलीय देशगुड़िक बेसी मशाजनित रोगर शिकार होइथांति विशेषकर आफ्रिकान देशर शिशु माने अधिक संख्यारे एथिरे मृत्युवरण करिथिबार देखा जाए मशा जोगु हेउथिबा मलेरिया सबुठु अधिक मृत्युर कारण पलटिथाए जहाँ रोकिबा दिगरे अनेक वर्ष धरि प्रयास होइ आसुछे एबे सही प्रयास को मिलिछे सफलता विश्वर प्रथम मलेरिया टीका मस्कुरिस्क को मिलिछे विश्व स्वास्थ्य संगठन बा हुर अनुमोदन सूचना अनुसार एक ब्रिटिश कंपनी ग्लाक्सोस्मिथक्लाइन द्वारा प्रस्तुत होइछि प्रथम मलेरिया टीका मस्कुरिस्क जहाँ आरटीएसएस बोली मध्य कहा जाउछे तेबे यहार प्रस्तुति पछे रहिछि दीर्घ वर्षर गवेषणा जेउथरे मुख्यतः आफ्रिकीय गवेषक माने ही बड़ भूमिका ग्रहण करिछन्ति एबे एहाकु अनुमोदन मिलिथिले हे एहा प्रथमे 1987 मसिया रे प्रस्तुत करा जाइथिला एवं सेबेठारु एहा उपरे चलिथिला विभिन्न परीक्षा निरीक्षा जहा एबे सफल हेबारु अनुमोदित होइछि 2019 मसिया रे आफ्रिकीय देश घाना केनिया एवं मालावी रे एहार 20 लाख डोज परीक्षा करा जाइथिला एहाकु शिशु जन्मर 6 सप्ताहरु 17 मास मध्यरे प्रथम डोज भाबरे देबाकु पडिथाय एहा परे प्रति 18 मास व्यवधान रे आउ 3टी डोज मध्य देबार व्यवस्था रहिछे फलरे जणक देहरे मलेरिया सृष्टि करुथबा परजीवी विरुद्धरे एंटीबॉडी सृष्टि होई ताकु सुरक्षा देई पारिबो As some of you may know, I started my career as a malaria researcher and I longed for the day that we would have an effective vaccine against this ancient and terrible disease. And today is that day, an historic day.
Today, WHO is recommending the broad use of the world's first malaria vaccine. This recommendation is based on results from an ongoing pilot program in Ghana, Kenya, and Malawi that has reached more than 800,000 children since 2019. This long-awaited malaria vaccine is a breakthrough for science, child health, and malaria control. ଏହାର ସଫଳତା ହାର ଅଧିକ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋକିବାରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ଟୀକା ମଧ୍ୟ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ବି'ର ଭୂତାଣୁ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ଯକୃତ ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବାରେ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମ୍ୟାଲେରିଆ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ପରଜୀବୀ ପ୍ଲାସ୍ମୋଡିୟମ୍ ଫାଲ୍ସିପାରମ୍ରୁ ମିଳୁଥିବା ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଟିନ୍ରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ମସ୍କୁରିସ୍ ଟୀକା, ଯାହା ସେହି ପରଜୀବୀର ବୃଦ୍ଧିକୁ ରୋକିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ। ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 4 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମ୍ୟାଲେରିଆରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିବାରୁ ଏହି ଟିକାର ଅନୁମୋଦନକୁ ଏକ ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟ ଟେଡ୍ରସ୍ ଅଧନୋମ୍। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ବୁଲେଟିନରେ ସମୟ ହେଉଛି ଏକ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ର, ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଜାରି ରହିବ ଖବର। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବା ପାଣିପାଗ ଖବରକୁ। ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଦାରା ବାନ୍ଧୁଛି ଆଉ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଏହା ସକ୍ରିୟ ହେବା ସହିତ 10 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଏହା ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେବ। ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 12 ଅକ୍ଟୋବରଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନା, କିଛି ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି? ଚିନ୍ମୟ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ବାତ୍ୟାର ଜନ୍ମ ମାସ କୁହାଯାଉଛି, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଅକ୍ଟୋବର ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇକି ଆସିଛି ଏବଂ ପୁରା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ ଓଡ଼ିଶା, ତେଣୁ ଚଳିତ ମାସ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା, ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲଘୁଚାପ ଆସିବ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଅବପାତ ରୂପ ନେଇସାରିଲା ପରେ ବାତ୍ୟା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି, ଏବଂ ଏହା ବାତ୍ୟା ଯଦିଓ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ଯଦିଓ ବାତ୍ୟା ହୋଇପାରେ ନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ଯେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ପୂର୍ବତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶରତ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ବାତ୍ୟା ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଏହା ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନର ରୂପ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଖାସ କରି ଏବଂ ପୁରୀରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ରହିବ, ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଯେଉଁମାନେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମନା କରାଯିବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ୟେଲୋ ଏବଂ ରେଡ୍ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ କରାଯିବ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସ୍ଥିତି ରହିଛି, 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଖାସ କରିକି ଯଦି ଦେଖିବା ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ରାୟଗଡ଼ା, କନ୍ଧମାଳ ମଧ୍ୟ, ଏ ତମାମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ରହିବ ଏବଂ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ଯାହା ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ଏହାର ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟାର ଯଦିଓ ରୂପ ନେବ ଏହା ସମୁଦ୍ର ପତନ ଠାରୁ 1.3 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ରହିବ ଏବଂ ଏହା 15 ତାରିଖ ଭିତରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁବ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ହେବ, ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ଏହା ନେଇକି ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ଖାସ କରି ଯେମିତି କହିଲି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପୁରୀ ବିଶେଷ ଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ। ଯାହା କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲା, ଯେହେତୁ ଦଶହରା ଅଛି, ସାମ୍ନାରେ ଦଶହରା ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଦଶହରାକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦିଓ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଦଶହରାରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ହେବ ଏବଂ ତାପରେ 14, 15, 16 ତାରିଖରୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ ଏବଂ 17ରେ ଏହା ଅବପାତ ରୂପ ନେଇକି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କରାଯାଉଛି ଯେ ଯଦିଓ ବାତ୍ୟା ହେବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି ବାତ୍ୟା ନ ହେବ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଏହା ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନର ରୂପ ନେବ। ଚିନ୍ମୟୀ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱପ୍ନା, 10 ତାରିଖ ହିଁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଏହା ସାଇକ୍ଲୋନର ରୂପ ନେବ ନା ନାହିଁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସ୍ୱପ୍ନା ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। କଥାରେ ଅଛି କାହାର ସର୍ବନାଶ ତ କାହାର ପୁଷମାସ। ଅକ୍ଟୋବର 4ରେ 7 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଠପ୍ ହୋଇଗଲା ଫେସବୁକ୍ ସେବା। କମ୍ପାନୀ ସହିଲା 52,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି। କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ଫେସବୁକ୍ ଡାଉନ୍ ହେବା ଫାଇଦା ମିଳିଲା ଟେଲିଗ୍ରାମ ଓ ସ୍ନାପଚାଟ୍ ଓ ଟ୍ୱିଟର ପରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ନେଟୱର୍କକୁ। କେମିତି 7 ଘଣ୍ଟାରେ ବାଜି ପୁରା ପଲଟିଗଲା ଦେଖିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ। ଚାରି ଅକ୍ଟୋବର ରାତି 9ଟା ପରେ ଆଉ ଖୋଲିଲାନି ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍। ୟୁଜରଙ୍କ ଭିତରେ ଖେଳିଗଲା ହଇଚଇ। ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଖସୁଥିବା କୋଟି କୋଟି ଆଙ୍ଗୁଳି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା।
सोशल मीडिया सबुठू बड़ प्लाटफर्म फेसबुक व्हाट्सएप और इनस्टाग्राम सेवा ठप होगला। फेसबुक काम करिबा बंद होगला तो सेपटे अन्य सोशल मीडिया प्लाटफर्म ट्राफिक हठात बढ़ीगला। यार सबुठू अधिक फायदा उठाई स्नैपचैट। एनालिटिकल एजेंसी सेंसर टावर पक्षर इने एक तथ्य प्रकाश कर फेसबुक डाउन जो क्यों सोशल मीडिया प्लाटफर्म को केते फायदा मिलता तार तथ्य उपरे आसंतु नजर पकाइबा। फेसबुक सह इंस्टाग्राम भी अचल होबार सर्वाधिक फायदा नहीं आंड्रॉइड क्लाइंट बेस्ड स्नैपचैट। इंस्टाग्राम अनुरूप कहुआ स्नैपचैट यूजर संख्या 23% बढ़ीगला। सेपटे इंस्टाग्राम यूजर ट्राफिक रेकर्ड 28% खसी आसी। फेसबुक डाउन रो द्वितीय सर्वाधिक फायदा उठाई टेलीग्राम 18% रेकर्ड अभिवृद्धि सह 70 मिलियन रु अधिक नुआ यूजर जोड़ी होइथिले एही प्लाटफर्म रे। टेलीग्राम पछकु 15% यूजर अभिवृद्धि सह सिग्नल रही तृतीय स्थान रे। सेपरी फेसबुक रो डाउन समस्यारु ट्विटर भी किछि कम फायदा उठाइनि। ट्विटर रो यूजर ट्राफिक अक्टोबर 4 राति रे हठात 11% बढ़ी जाइथिला। सोमवार फेसबुक पाई कला दिन थिला। कंपनी को 7 घंटा भितर 52,000 कोटी टंकार क्षति सहिबाकु पड़िछि। पूर्वरु मध्य विभिन्न समय फेसबुक सेवा बंद हो जिबार नजीर रहिछि। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। राज्यर सर्वपुरातन म्यूजियम एवं विपदरे। म्यूजियम रे सप्तम शताब्दीर बहु पुरातन कलाकृति रहिछि मात्र रक्षणाबेक्षण अभाव एवं यह नष्ट बसला। ऐतिह संपन्न तथा ओडिशार सर्वपुरातन बारिपदा संग्रहालय 1905 मसीह प्रतिष्ठा करा परवर्ती पर्यायर संस्कृति भवन को स्थानांतरित होता मात्र एवं संग्रहालय सरकारी अवहेलापी मटे मिशवाक बसी। विपदरे राज्यर सर्वपुरातन संग्रहालय रक्षणाबेक्षण अभाव माटी मिसिबाकु बसिरानी। पुरातन कीर्तिराजी और कलाकृतिर संरक्षण और पुनरुद्धार दाबी। दुर्लभ कलाकृतिर संरक्षण निमते राजवंशर प्रयास आरंभ। बारिपदारे रही राज्यर सर्वपुरातन म्यूजियम। ए म्यूजियम रही विभिन्न बेलर पथर सांग को विरल कलाकृति एपरिक पुरातन जुगर विभिन्न प्रकार लिपि संरक्षित हो रही। पुरातन पोथी राज्यतर कहानी बखाणुची। ताम्र जुगर अस्त्रशस्त्र संरक्षित हो रही। काठर आसवापत्र सहित विभिन्न प्रकार बासनकुसन रही मात्र परवर्ती पीढ़ी यार रक्षणाबेक्षण आवश्यक हो पड़ी। निकटने कलाकृति संरक्षण और कीर्तिराजी क्षेत्र में कार्य करुवा देशर जनाशुना राजस्थान जोधपुर स्थित मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्टर साहित्य राजा और कोमल जोशी को नहीं गठित दुईजिया विशेषज्ञ दल बारिपदा म्यूजियम परिदर्शन करने पर यह दुर्लभ सामग्री पुनरुद्धार पर राजवंश पक्ष प्रयास आरंभ हो। हमारे बाहर बाहर से पूरे इंडिया से कितने गेस्ट आ रहे हैं पर हम उनके बारिपदा म्यूजियम नहीं दिखा सकते। जैसे आप मुझे देख सकते हैं ये टाइल्स पूरे टूट रहे हैं, जमीन पर ऊपर से पानी टपक रहा है, पूरा डैम्पनेस और मॉइस्चर है। ये पूरे आइडल्स के लिए बहुत बुरे हैं। ये 10th सेंचुरी की आइडल है, आप देख सकते हैं वो पूरा उनका मुँह और उनका दूसरे पार्ट पूरे बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं। तो हम ये क्योंकि इतना वेयर एंड टेयर हो रहा है तो जब हमारे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाहर से अगर लोग आ रहे हैं हमें सिखाई देने के लिए कि कैसे हम कर सकते हैं तो अफसोस की बात है। इट्स लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। पूरे इंडिया में है तो मयूरभंज जो वो ये म्यूजियम हमको वी कैन टोटली बी वन ऑफ द बेस्ट म्यूजियम्स इन इंडिया। खाली थोड़ा कोशिश चाहिए और हेल्प चाहिए स्टेट गवर्नमेंट से ताकि वो भी थोड़ी अंडरस्टैंड कर सके कि जो हमारी इतने वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स है इसको हिस्ट्री में लॉस्ट नहीं होना चाहिए। म्यूजियम टा गुटे अच्छी अमर हिस्ट्री को डिपेक्ट करुची। आज आम अच्छन आम कौन आमर एटा थेला सेटा थेला किंतु आगे जेनरेशन टा केमती जानबे के एमती थेला कोई करी तार पाई म्यूजियम हिस्ट्री को हमको प्रोटेक्ट करिबार निहत्य दरकार अच्छी। और एठी आसी किसी देखिकी गले से मनको जिनसो का नागला कि खूब भल अच्छी किंतु भल की रखा हुए नहीं। सप्तम शताब्दीर दुर्लभ कीर्तिराजी आरंभ कर 19वीं शताब्दी पर्यंत विभिन्न कलाकृति देखि विशेषज्ञ दल अभिभूत हो पड़ते। मात्र म्यूजियम गृहर केउठी छात्रु पाणी गली शिउली पड़गला तो केउठी तले पड़ा फ्लोरु टाइल उठी धूली उड़गला।
तेज सरकार अनुमति मिलने पीपीपी मोड्रे राजपरिवार पक्षर् मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट और टाटा ट्रस्ट आर्ट कंजर्वेशन इनिशिएटिव सहित मिलित भाव यह दुर्लभ कलाकृति को दीर्घ समय बचाईवा प्रचेषा करे राजपरिवार सदस्य एने टाटा ट्रस्ट सहित प्रारंभिक आलोचना तेज राजपरिवार पक्षर् पदक्षेप को प्रशंसा कर स्थानीय बुद्धिजीवी अनफॉर्चुनेटली आपणकर जड़े भी कि स्टाफ नहांती आपण जदि बुलाया को आसबे जदि कल्चर अफिसर थे निजे ताले सी निजे बिचरा खोलिक देखाते आमको आ द्वितीय बिल्डिंग अवस्था न कह भल चार पा गलुची फ्लोर फाटी जाइए मोस्ट इंपोर्टेंटली आम घर करके रखीदेचु जिनसा कि तार जो मेन्टेनान्स जोटा तार रेस्टोरेसन कहतु तार कंजर्वेशन कहतु से दिगरे केवे किसी कम हबार आम कहीं देखनु गत वर्ष वर्ष धरी कई स्टाफ नहांती से माने जदि भी आमको शिखेवा को चाहूँ जो एक्सपर्ट टीम आसी जोधपुर महाराज आम महाराज पाक पठाई दे रिलेटेड तो ये लोक थे सीना से शिखेबे तेनाली आम स्टाफ भी नहांती तेणु इमिडिएटली जोटा घर रेस्टोरेसन करो पा गलुची फ्लोर फाटिगला एडिक्वेट स्टाफ दि जाऊ ओडिशार सर्वपुरातन संग्रहालय एवं अवहेलित अवस्था यार रक्षणाबेक्षण और दीर्घ समय किपर संरक्षण हो पार से राजपरिवार पक्षर् पदक्षेप को प्रशंसा कर जिलावासी बारीपदार कैमेरा पर्सन हरेकृष्ण पात्र रंजन कुमार दास को रिपोर्ट अर्गस न्यूज। ब्रह्मपुर गोसाणी नुआगा थाना अंतर्गत हलदिया बंदर निकट राजा रास्तार बा रास्ता कड़ जे युवक मृतदेह ठाप होती हत्या करने फोपाड़ी अनुमान मृतक गंजाम पोलसरा अंचल सुधीर कुमार साहू बोली जमापड़ सुधीर नारे पाखापाखि 15 अपराधिक मामला थी सूचना रही घटना संपर्क में खबर पाई पुलिस एक अपमृत्यु मामला रुजुकर तनाघना आरंभ कर नुआपड़ा सहर मंदिर पड़ारे रहंती अश्विनी माझी तांको पत्नी लक्ष्मीप्रिया माझी और 3 वर्षर कुनी झी ख्रीष्टीश्वरा माझी ख्रीष्टीश्वरा मे 8/2018 जन्म होते मुखस्थ कर नाना प्रकार संस्कृत श्लोक और साधारण ज्ञान संपर्कित अनेक प्रश्नर निर्भुल उत्तर एत छोट पिलार चटापट उत्तर पर मिली इंडिया बुक अफ रेकर्ड 3 वर्षर छोट झी को एभली पुरस्कार पर खेली जा खुशी पचते लक्ष्मी करमते सरस्वती करमूले टुकुपिंता पावते कतचना समुटो बचनी देवी पार्वती तनमंडली विष्णु पत्नी नमस्तु प्रिया पादु पचम किमचमी बरको चिंता मा कयो चोर कटि चम प्रभा निकपितम माँ कल छाड़ ना नुआपड़ा सहर मंदार पड़ार 3 वर्षर कुनी झी ख्रीष्टीश्वरा माझी एवं समस्त दृष्टि आकर्षण करी बयसर पाने शब्द उच्चारण आरंभ करुवा बेले ख्रीष्टीश्वरा अनेक प्रश्नर चटापट उत्तर दे पारुची विभिन्न देशर राजधानी ना तार मुहे मुहे रही कैपिटल ऑफ आर्मेनिया एरेवान अजरबैजान बाकू बहरीन मनामा बांग्लादेश ढाका भूटान थिम्पू ब्रुनेई पंचेरी भगवान कंबोडिया कॉलपेन चाइना बीजिंग मा कोलरे बसीथिबा एही कोनी झियो मा मुहर प्रश्न सुनिबा मात्र के देई पारुची एभली उत्तर गायत्री मंत्र गणेशंक वंदना और प्रभात वंदना निर्भुल भावे उच्चारण करि पारुची 3 वर्षर एही कोनी झियो कम बयसर मो नातुणी एत कथ मन रखी कही पार्थ्वर आम खुशी बोली कही जेजेमा मंजुला माझी मो नातेन छो कम बयसर एतक कथा शिखला एतक कथा कही पारे मन रखी पारे से आम खुशी आओ शिखेबार लगती समस्ते चाहू कंडेई खेल निमग्न थी कुनी झी निकटने पाई इंडिया बुक अफ रेकर्ड वन्यजंतु फुलफल देश और राज्य राजधानी गुड़िकर ना निर्भुल भाव कहीपुर मेडाल सहित मिली प्रशस्ति पत्र से जेते बोले 1.5 वर्ष नहीं थी आउ तार तार टैलेंट आम जान पार्ली कि से किंतु जल्दी मन रखी पार्टी से लगे मुई ताके शिखेली डबल के फोर्स करके शिखे ताकि खाली जिते बुला बोली तार मन भी शांति थी से टाइम शिखेली तो से जल्दी शिखीदेला
ତାପରେ ମୋତେ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଲା କି ଟିକେ ଆଉ ଶିଖାମି, ସେମିତି ସେ ଶିଖିଲା। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି କି ଫେସବୁକ୍ରେ ତାର ଇଏଟା ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ, ତ ତାପରେ ମୁଁ ଗୁଗଲ୍ରେ ଯାଇକିରି ତାର ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି, ତାପରେ ତାର କନଫର୍ମ ହେଇଥିଲା ତାର ରେକର୍ଡ଼ଟା। ମୋର ଝିଅ ଯେନ୍ ପାଇଛି ଏବେ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼, ସେଟା କାଜି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛେ ମୁଇଁ, ଆଉ ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍। ଯେନ୍ଟାକି ବହୁତ ତାର ମା ଯେନ୍ଟା ତାକେ ଶିଖିଛନ୍, ସବୁ ତାର ମାକେ ସବୁ ଶ୍ରେୟ ଦିଆଯିବା। ଆଉ ଆମେ ବି ଟିକେ ଘରେ ରହିଲା ବେଲେ ବି ଟିକେ ତାକେ ଦେଖାଦୁଖି କରୁଛୁଁ କି ସେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଟିକେ ବଢ଼ିଆ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଟିକେ କରୁ ବୋଲିକରି, ଆଉ ସେ ତାର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜାଣ ବନ୍ବା ସେଟା କାଜି ଆମେ ବି ଚେଷ୍ଟା କର୍ମା କି ସେ କାଣା ଏଇଟା ବନବି ସେଟା ବନବି ବୋଲି ବି ଆମେ ଟିକେ ସ୍କୋପ୍ ଦେମା ତାକେ, ଆଉ ତାକେ ଟିକେ ଏନ୍ତା ଫ୍ରିଲି ଛାଡ଼ମା। କଣ୍ଢେଇ ଖେଳରେ ମାତିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ତାର ଆଗ୍ରହ ରହିଛି ନୂଆ ନୂଆ ବିଷୟ ଜାଣିବାରେ। ଝିଅର ଏହି ରୁଚି ଜାଣିବା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ତାର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ତାଙ୍କ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ମାଝୀ କହିଥିବା ବେଳେ ବାପା ଅଶ୍ୱିନୀ ଝିଅର ଏଭଳି ରେକର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଖୁସି ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ନୂଆପଡ଼ାର ଏହି କୁନି ପ୍ରତିଭା ପାଇଁ ଯଦି ସବୁକିଛି ଅନୁକୂଳ ରହେ ତେବେ ତାର ସୁନେଲି ଭବିଷ୍ୟତ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ। ନୂଆପଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ସହିତ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସମସ୍ତ ରହିଛି ସକାଳର ପ୍ରଥମ ଖବରକୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।